हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा, अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हमने बोस एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, उसके एप्लीकेशन पढ़े थे। एप्लीकेशन से हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाली थी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट निकाल लिया था, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट निकाल लिया था, और फिर उसी एनर्जी की हेल्प से हमने रिडबर्ग फॉर्मूला निकाल लिया था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास थ्रू इट देन रेडिएशन आर इमिटेड बाय इट When these radiation pass through prism or spectrometer then series of spectral line will obtain and this spectrum is known as हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मतलब हमने क्या किया, आपका गैस मतलब हाइड्रोजन गैस ली, उसको डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर दिया एट लो प्रेशर, ठीक है, और उसके बाद अपन ने उसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया, मतलब करंट पास किया। तो करंट पास करने से आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है। आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन में तो एक ही एटम है, तो वो कितनी एनर्जी लेवल पे जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक एनर्जी। तो ऐसे कई सारे हाइड्रोजन एटम वहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल पे जा रहा है, तो दूसरे का दूसरे पे जा रहा है, तीसरे का तीसरे पे जा रहा है। ऐसे कई सारे रेडिएशन आपके प्रोड्यूस होते हैं। जब इन रेडिएशनों को हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर आपका प्रिज्म से पास करते हैं, तो आपको एक स्पेक्ट्रम मिलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है वो कई सारी सीरीज में डिवाइड होता है और उसमें कई सारी स्पेक्ट्रल लाइन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उनका जो वेवलेंथ है, द वेवलेंथ ऑफ each spectral line can be determined with the help of Rydberg formula that is nu bar is equal to 1 upon lambda is equal to r
वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर, वेयर न्यू बार इज वेव नंबर, लैम्डा इज वेवलेंथ, आर इज रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या होता है 1.09 इंटू 10^7 मीटर इनवर्स, या आर बराबर 1.09 इंटू 10^5 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये हो जाता है आर एन वन एंड एन टू एनर्जी लेवल्स, ठीक है, एन वन एन टू क्या है एनर्जी लेवल्स होते हैं। इस फॉर्मूले से अपन क्या देते हैं वेवलेंथ ऑफ ईच स्पेक्ट्रल लाइन देते हैं, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज नेम्ड एज फर्स्ट लाइमन सीरीज, सेकंड बाल्मर सीरीज, थर्ड पाश्चन सीरीज, फोर्थ ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ पीफाइन सीरीज, एक सिक्सवीं होती है हम्फ्री सीरीज, ठीक है। ये आपकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये सीरीज प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब इन सीरीज के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहली सीरीज लाइमन सीरीज है, लेकिन जो डिस्कवर हुई थी सबसे पहले लाइमन सीरीज डिस्कवर नहीं हुई थी, डिस्कवर कौन सी हुई थी बाल्मर सीरीज डिस्कवर हुई थी, पहले जो खोज हुई थी वो किसी हुई थी बाल्मर सीरीज की। क्यों? क्योंकि बाल्मर सीरीज विजिबल लाइट के रीजन में आता है, इसलिए ये आसानी से देखी जा सकती थी। तो पहले डिस्कवर कौन सी हुई थी बाल्मर सीरीज, उसके बाद डिस्कवर हुई थी लाइमन सीरीज, लेकिन पहली सीरीज कौन सी है लाइमन, ठीक है। तो दो क्वेश्चन पूछे जाते, नेम द फर्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, तो लाइमन सीरीज, नेम द फर्स्ट डिस्कवर्ड सॉरी नेम द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज विच डिस्कवर्ड फर्स्ट, तो बाल्मर सीरीज, जो पहले डिस्कवर हुई थी वो बाल्मर सीरीज, और जो पहली सीरीज है वो कौन सी है लाइमन सीरीज होती है। अब एक एक करके अपन इनके फॉर्मूले के बारे में पढ़ लेते हैं, लाइमन सीरीज होती क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं लाइमन सीरीज, इट इज द फर्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज which lie
इन यूवी रीजन, मतलब इसकी जो वेवलेंथ होती है वो यूवी लाइट की वेवलेंथ के बराबर होती है. इट्स लाइक इन यूवी रीजन इट इज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लाइमन, साइंटिस्ट का नाम है लाइमन, फॉर दिस वेवलेंथ इज गिवन बाय फॉर्मूला 1 upon lambda is equal to r 1 upon n1 का square minus 1 upon n2 का square, where n1 is equal to 1 n2 is equal to 2 comma 3 comma 4 comma 5 dot dot dot. ठीक है. अच्छा, इसकी फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ निकालनी है, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी हो जाएगी, 2 से 1 पर जो ट्रांजिशन होगा वो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन. सेकंड कौन सी हो जाएगी, 3 से 1 पर. ठीक है, तो वेवलेंथ निकालना अगर फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का, किसमें, लाइन सीरीज में, तो n1 की जगह 1 रखोगे, n2 की जगह 2. सेकंड का निकालना है तो ये तो 1 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. थर्ड का निकालना है तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 4. तो जिस नंबर की निकालना है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों का डिफरेंस उतना आना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट निकालो तो इनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, सेकंड निकालो तो इनका डिफरेंस सेकंड आना चाहिए. मतलब n1 में जोन सी निकाले उतना जोड़ देना तो वो आपका n2 की वैल्यू दे देगा. ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, अब मार्जिनल वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, इसी को मिनिमम वेवलेंथ बोलते हैं. तो लैम्डा 1 upon lambda मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा, ये लैम्डा को मतलब इसको मिनिमाइज करना है तो इस पूरे को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज. इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको जीरो कर दो. ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 मार्जिनल वेवलेंथ. n2 कितना होना चाहिए, इंफिनिटी. ठीक है, जब भी मार्जिनल वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ निकालना है तो n2 कितना हो जाएगा, इंफिनिटी. ठीक है, तो r ये 1 upon n1 का स्क्वायर, तो लैम्डा मिन क्या हो जाएगा, n1 का स्क्वायर अपॉन r. ठीक है, तो ये आपका जो क्या है, लैम्डा 1 मतलब n1 कितना 1, r कितना 1.09 × 10⁻¹⁷. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100 × 109 × 10⁻¹⁷ होता है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -7. तो ये हो जाएगा आपका, डिवाइड करूंगा मैं इसमें 100 में 109 का, कितनी बार, 9 टाइम्स, पॉइंट लगा के 0, 981. ठीक है, 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9, ये 1, ये 0. ठीक है, डेसिमल लगा तो 10 और आ जाएगा, तो 1 टाइम 109. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 8, 0 अपने आप आ जाएगा. अब 8 टाइम्स नहीं जाएगा, 7 टाइम्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.917 × 10⁻¹⁷ या 91.7 × 10⁻¹⁹ मीटर, यानी 91.7 नैनोमीटर. ये मिनिमम वेवलेंथ हो जाती है किसके लिए, लाइमन स्पेक्ट्रम लाइमन सीरीज के लिए. ठीक है, मैक्सिमम चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या रखनी है, 2 रखनी है. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रख देनी है, 2 रख देनी है. तो मिनिमम आपको ज्यादातर याद रखनी है, मिनिमम ज्यादा पूछी जाती है. ठीक है, फोर
मैक्सिमम वेवलेंथ, N2 बराबर N1 प्लस 1, ठीक है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, N1 कितना, 1, 2, तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्स बराबर R, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो लैम्डा मैक्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 4 अपॉन 4 माइनस 3 और नीचे R, ठीक है। तो 4/3 इंटू आर, ठीक है। तो इसमें 4/3 1.33 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 4/3 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर तो निकाला हुआ है, ये आपका मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगा किसके लिए, आपका लाइमन सीरीज के लिए, ठीक है। तो लाइमन सीरीज हो गया, ठीक है। उसमें आप नंबर ऑफ कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन निकाली है उसका भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, मिनिमम वेवलेंथ निकाल लिया, मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से हम किसके लिए जाते हैं, बाल्मर सीरीज के लिए जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, बाल्मर सीरीज के लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग लिखेंगे बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, ठीक है। ये क्या होती है, इट इज द सेकेंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज विच वॉज Discovered by, which was discovered by Balmer, it lie in visible region, ठीक है। Its wavelength, its wavelength is given by formula 1 upon lambda बराबर r 1 upon n1 का square minus 1 upon n2 का square, where n1 बराबर 2 and n2 बराबर 3 4 5, 6। फर्स्ट चाहिए तो 3 to 1, सेकेंड चाहिए तो 4 to 2, रेडिएशन एमिट होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, तो उल्टा आपका क्या हो जाएगा, जंप हो जाएगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 4 मिनिमम और मार्जिनल वेव लेंथ, और मिनिमम एंड मार्जिनल वेवलेंथ, ठीक है। n2 बराबर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, तो यहां से 1 अपॉन लैम्डा मिन बराबर क्या हो जाएगा, r इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, तो लैम्डा मिन बराबर क्या हो जाएगा, n1 का स्क्वायर अपॉन r, यानी n1 इसके लिए कितना है 2, यानी 4 अपॉन r, तो लैम्डा मेन ये हो जाएगा जो अपन ने पिछला निकाला है, कितना निकाला, 1 अपॉन आर निकाला है, कितना 91.7, उसमें 4 का मल्टीप्लाई करो तो 7 4 28, हासिल के 2 4 और 2 6, 9 4 36.8 नैनोमीटर, ये मिनिमम वेवलेंथ हो जाती है किसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, थोड़ा बहुत इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब ये मिनिमम हो गई, मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 4 1 अपॉन लैम्डा मैक्स, तो ये क्या हो जाएगा, आर
वन अपॉन टू का स्क्वायर माइनस जस्ट प्लस वाला, तो वन अपॉन थ्री का स्क्वायर। तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा आपका, थ्री स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो जाएगा नोचो को 36/5 आर। ठीक है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है, ये आप मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी किसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए। ठीक है, बाल्मर के लिए बात करते हैं आपका पाशियन सीरीज। ठीक है, इसको हटा देता हूं, पाशियन सीरीज इट इज थर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज, इट इज थर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज लाई इन आईआर रीजन एंड डिस्कवर्ड बाय पाशियन, इट्स वेवलेंथ इज गिवन बाय वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर, वेयर एन वन बराबर 3, एन टू बराबर 4, 5, 6, 8 डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, 4 मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ एन टू बराबर इंफिनिटी, इसको मार्जिनल वेवलेंथ भी बोलते हैं। तो वन अपॉन लैम्डा मिन बराबर आर, वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन इंफिनिटी, वन अपॉन लैम्डा मिन बराबर एन वन का स्क्वायर अपॉन आर, यानी थ्री का स्क्वायर अपॉन आर, यानी 9 × 1/r। ठीक है, कितना था 91.7, तो 970/63 कितनी राशि के 6, 9 और 6, 15 हासिल के 1। ठीक है, उसके बाद 9 81 और 1 82 5.3 नैनोमीटर, ये मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगी, मार्जिनल वेवलेंथ हो जाएगी किसकी, पाशियन सीरीज की। ठीक है, उसके बाद 4 मैक्सिमम वेवलेंथ, और मैक्सिमम वेवलेंथ एन टू बराबर एन वन प्लस वन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आपका 1 अपॉन इधर कर देता हूं, 1 अपॉन लैम्डा मैक्स बराबर आर, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लैम्डा मैक्स बराबर 4² × 3² / 4² − 3² × r, तो ये हो जाएगा 4² × 3² / 7r। ठीक है, ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, इसको सॉल्व कर लो। 1/r आपको पता है 91.7 या 91.6 अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक है, तो पाशियन सीरीज ऐसे ही आपका ब्रैकेट सीरीज हो जाएगी और आपका पिफंड सीरीज हो जाएगी। ठीक है, आपका इसके बाद जितने भी रीजन मतलब लाइट आती है वो किस में आती है, आईआर रीजन में आती है। ठीक है, तो मैं आप आगे सॉल्व नहीं करूंगा, बस इसके लिए वैल्यू लिख देता हूं, ब्रैकेट सीरीज एंड पिफंड सीरीज।
इट इज फोर्थ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन IR region, like in IR region, discovered by bracket, its wavelength. 1 अपॉन लैम्डा बराबर आर 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर. एन वन इज इक्वल टू 4, एन टू इज इक्वल टू 5.6.8 .. लैम्डा मीन क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर बाय आर यानी 16.75. सोचिंग 112 के कौन से लिखे 11 और 16 कितने हो जाएंगे 27 2 16 नब्बे 144 और 2 146 नैनोमीटर. लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा? लैम्डा मैक्स हो जाएगा कुछ नहीं आपका 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू आर. तो 5 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 9 आर. ठीक है, ये मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ है. फिर आपका पीफंड के लिए भी इस तरह से ही रहेगा और ब्रैकेट सीरीज ऐसे ही थंबरी सीरीज के लिए भी इस तरह से ही आ जाएगा. अगर एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो समझो क्या होता है. ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3, ये n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 इस तरह से. तो ये आपका अगर यहां पर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है लाइमन सीरीज. ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. ठीक है, इनका गैप क्या होता है ज्यादा होता है और धीरे धीरे ये गैप क्या होने लगता है कम होने लगता है. ये आपका क्या हो गया लाइमन सीरीज. ठीक है, फिर बाल्मर सीरीज, फिर पाश्चन सीरीज. ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट सीरीज, पीफाइंड सीरीज और हम्फ्री सीरीज. ये इस तरह से आपका एनर्जी रहेगा. अब कितनी स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल है, कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल है अगर आपको N2 से मतलब N2 की वैल्यू दे दिया जाए कि जहां से आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है तो वो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस करेगा उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइन इसमें पॉसिबल है. ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको इतना याद रखना है. नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन. ठीक है, क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाय 2, n इंटू n माइनस 1 बाय 2 अगर ग्राउंड तक जंप हो रहा है. ठीक है, कहां तक जंप हो रहा है, ग्राउंड तक जंप हो रहा है. अगर ग्राउंड तक जंप नहीं हो रहा है, ठीक है, किस हो रहा है, एक दूसरे लेवल तक हो रहा है n2 से n1, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फ्रॉम n2 से टू n1, तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन में 2. ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है. कितना अगर थर्ड से 1 पर, तो थर्ड से 1 पर अगर ट्रांजिशन हो सकता है तो ये 1, 2, 3 तो कितनी रही, 1, 2 तो ये हो जाएंगी, 3 ये हो जाएगी. ठीक है,
तो थर्ड से वन पे कितनी हो जाएंगी, तीन स्पेक्ट्रम लाइन हो जाएंगी, तो 3 × 2/2। ठीक है, अगर फोर से वन पे जाती है तो कितनी हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। तो आपका 4 × 3/2 आपका 6। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी पॉसिबल है वो इस फॉर्मूले से अपन दे देते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पर भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, वेव नंबर यानी रेडबर्ग फॉर्मूला पर भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए वेवलेंथ भी पूछ लिया जाता है। तो ये चीजें आपसे बननी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ या यूजफुलनेस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अगली हेडिंग देखेंगे यूजफुलनेस ऑफ usefulness of Bohr's atomic model, Bohr's atomic model के क्या क्या usefulness है। ठीक है, पहला आता है it explain the stability of atom, बस it explain stability of एटम। इसको डिटेल में समझ लो क्या है, इन्होंने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स रहती है, मतलब जब तक वो उस ऑर्बिट में रहेगा तब तक ना तो एनर्जी इमिट करेगा ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो जब वो एनर्जी ना तो इमिट कर रहा है ना एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो उसी ऑर्बिट में क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, सेकेंड आपका आता है इट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन क्यों स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है या उसका स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों है, इनको बोर्स ने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है तो एक टाइप का रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, और दूसरे से जब तीसरे में जाएगा तो दूसरा रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब इसमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा, और उसकी जो एनर्जी होगी उसके बारे में भी इन्होंने अच्छे से बता दिया। तो ये थे आपके क्या यूजफुलनेस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसके बाद पढ़ेंगे अपन लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जितना आज पढ़ाया है वो आप अच्छे से देख लेंगे, फॉर्मूला देख लेंगे, उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, इतना डिटेल में आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा पढ़ा के सीरीज के नाम और उनके लिए एन1 एन2 और एन3 की वैल्यू बता दी जाती है, मैंने मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ सारी चीजें आपको बताई क्योंकि उन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्जिनल वेवलेंथ और किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन तो उसमें N2 और N1 को सिलेक्ट करना पड़ेगा किस सीरीज के लिए लिया गया, थर्ड लिया है बाल्मर सीरीज के लिए, तो N1 तो 2 हो जाएगा, N2 कितना हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ दो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको N1 और N2 की वैल्यू निकालनी है, वेवलेंथ निकालना और सॉल्व कर लेना। वेवलेंथ निकाल ली, फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, C/λ निकाल ली, उसको मीटर में कन्वर्ट करो और आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। एनर्जी निकालनी है तो h nu निकाल लिया आपने, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, h nu एनर्जी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले।